निर्भया केस में जब फांसी की बात सामने आई तो नाम पवन जल्लाद का भी सामने आया। वहीं पवन जल्लाद जो निर्भया के गुनहगारों को फांसी दे सकता है। इस सबके बीच पवन का नाम गुमनामी के अंधेरे से सामने आया। लोग ये भी पूछने लगे कि आखिर ये पवन जल्लाद है कौन। लेकिन इन सब के बीच एक वीडियो सामने आया जो पवन जल्लाद की जिंदगी पर ही एक अलग ही कहानी कहता है। क्या है वो वीडियो, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मेरठ के पवन जल्लाद का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पवन पत्रकारों से पैसे मांग रहा है। ये पैसे वो इंटरव्यू देने के एवज में मांग रहा है। क्या कहना है पवन का, आप खुद सुनिए। इंटरवीडियो मेरे इसलिए पीछे है कि मुझे अगर 1 लाख की दोगे ना तो 1 लाख देने तैयार है। जिसके बाद 2-4 घंटे काम आए उसके बाद फिर मेरे पास कोई नहीं आएगा। कितने पैसे? 10,000 रुपये देते। 10,000? ये वही पवन जल्लाद है जिसका नाम निर्भया के दोषियों को फांसी देने के लिए सामने आ रहा है। इस बीच कुछ पत्रकार इनका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे तो नतीजा क्या हुआ आप देख लीजिए। इंटरवीडियो मेरे इसलिए पीछे है कि मुझे अगर 1 लाख की दोगे ना तो 1 लाख देने तैयार है। इसके बाद 2-4 घंटे काम आए उसके बाद फिर मेरे पास कोई नहीं आएगा। कितने पैसे? 10,000 रुपये देते। 10,000 जी? पिछली बार दिया था आपको? 3,000 रुपये देते। 5,000 तक का दिया। ठीक है, ये साफ के निर्माण। पवन जल्लाद ये साफ साफ कहते नजर आ रहा है कि उनको 10,000 रुपए चाहिए इंटरव्यू के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनका तो दावा है कि मीडिया इंटरव्यू के लिए इनको 1 लाख रुपए तक देने को तैयार है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पवन जल्लाद की जिंदगी से जुड़ा एक पहलू भी सामने आया कि निर्भया जैसे हाई प्रोफाइल केस में उसके पूछने वालों की गिनती बढ़ जाती है, लेकिन असल में उसी पवन जल्लाद की जिंदगी गुमनामी में गुजर जाती है। इंटरवीडियो मेरे इसलिए पीछे है कि मुझे अगर 1 लाख की दोगे ना तो 1 लाख देने तैयार है। इसके बाद 2-4 घंटे काम आए उसके बाद फिर मेरे पास कोई नहीं आएगा। कितने पैसे? 10,000 रुपये देते। 10,000? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।